पेंजिला पास का ही पार्ट है, तो यहाँ पे माइलस्टोन लिखा हुआ था पेंजिला जीरो। तो पीछे भी स्तूपा बना हुआ है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये व्यू पॉइंट मचान बना हुआ है, तो पेंजिला यहाँ भी पे है क्योंकि यहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे लेक्स हैं, कई दो तीन लेक्स देखने को मिलेंगी, तो अगर आप एक महीने बाद आते हैं तो यहाँ का व्यू तो और भी अमेजिंग होगा। ये देखिए कितनी बर्फ़ है चारों तरफ। तो अभी हम पेंजिला पास को क्रॉस कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अब उससे पहले हम ऊपर आए थे, अब बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। ये देखिए नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ पे उस तरफ जाएंगे। अब ये पूरी हमें उतराई है और सामने ड्रैंगडोंग ग्लेशियर भी आ गया है। अमेजिंग अमेजिंग। अभी हम खड़े हैं ड्रैंगडोंग ग्लेशियर के बिल्कुल सामने और 10 मिनट से निहार रहे हैं, बस देख रहे हैं इसको और ये लेक्स, छोटी छोटी लेक्स, और ये व्यू, ये भाई की बाइक, और ये चारों तरफ का व्यू, ये हमारी KTM, देख लो यार, बार बार देखो आप, मज़ा आ जाएगा। अमेजिंग यार। बस और 5-10 मिनट बैठ के फिर निकलेंगे आगे। आगे एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, वो भी दिखाएंगे, और फिर सनी विलेज दिखाएंगे। ड्रैंगडोंग ग्लेशियर, कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। एस शेप में है ये, और इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है। अगर आपको इससे भी बड़ा ग्लेशियर देखना है तो स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। और ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे, ये हमारी बाइक्स हैं, हमने पीछे रुक के भी थोड़ी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी थी, लेकिन यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, प्रॉपर व्यू आ रहा है, अमेजिंग यार। यहाँ तो ऐसा लगता है बस निहारते रहो, खड़े रहो आप 10-15 मिनट, देखते रहो बस, बहुत अमेजिंग है, मज़ा आ गया। पेंजिला पास से बस नीचे उतरते ही है ये ड्रैंगडोंग ग्लेशियर, ज़्यादा दूर नहीं है ये, 2-3 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत अमेजिंग है यार। बढ़िया ब्रेथ टेकिंग व्यू मैं दिखाने वाला हूँ, जस्ट अभी मुड़ते ही इस मोड़ के बाद आपको दिखाई देगा पूरी वैली का व्यू। और ये देखिए 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 ये देखिए भाई साहब, क्या अमेजिंग व्यू है यार, क्या है ये। अभी तक का सबसे बेस्ट रूट मुझे यही लगा है, कारगिल टू पदुम। इतने सारे व्यू हैं, और लेकिन आना पड़ेगा आपको ये मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में, वरना ये सारी आइस जो है आप मेल्ट हो जाएगी। ये छोटी छोटी लेक्स बनी हुई हैं और ये बीच से सड़क जा रही है, ये देखो एक नंबर व्यू। वाटरफॉल, ये देखिए मिनी वाटरफॉल, ओए होए होए, नहाना है तो नहा सकते हैं, अगर इसके नीचे मैं ले जाऊंगा तो नहा लेंगे, नहाए के नहीं गीले हो जाएंगे। ओए होए होए होए, क्या बात है, कमाल है, नेचर का भी अपना अलग ही नज़ारा है, नेचर का कोई रोक नहीं सकता। एक और आगे है छोटा सा मिनी वाटरफॉल, ये देखिए वाओ ब्यूटीफुल, क्या बात है वाटरफॉल। और ये हम नीचे आ गए हैं और इस हाईवे पे जाएंगे सीधे नीचे। पता सोच करके मैं नीचे दे दूंगा आपको नाम, बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है ये भी। तो ये तीसरा ग्लेशियर नज़र आया हमें इस रूट पे, नुनकुम ग्लेशियर, पहला हमने देखा था कल, उसकी तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, दूसरा आज देखा ड्रैंगडोंग ग्लेशियर, और तीसरा भी आज ही देखा है, ये सामने जो ग्लेशियर आप जो पहाड़ों के बीच में दिख रहा है, हमने काटा और देखो नया नज़ारा आ गया, यहाँ से बर्फ़ ही गायब हो गई है, वाह बिल्कुल बर्फ़ नहीं है यहाँ तो।
और पीछे बर्फ ही बर्फ थी। यहाँ तो कुछ ही सेकंडों में नज़ारा एकदम बदल जाता है। यहाँ पे जितने भी घर हैं दूर दूर बने हुए हैं और काफ़ी फैले हुए हैं, और अभी रोड बिल्कुल हाईवे जो बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे बन गया है। ये वैली के बीच से हाईवे जा रहा है, वो बिल्कुल वो पहाड़ों के बीच से जाएंगे। और ये देखिए दोनों तरफ गांव। मून पीरियड ख़त्म हो गया है और ये देखिए पूरी ऑफ रोडिंग आ गई है, मेटल रोड ख़त्म हो गया है। अब ये पता नहीं कितना बड़ा पैच है, तो काफ़ी देर से ऐसे ही चल रहे हैं हम। अभी तक तो टॉप अप टॉप आ रही थी, 80-90 से नीचे बात ही नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो स्टेट रोड था और टू वे था और नया रोड था। तो ये क्या बला आ गई, बहुत ही तगड़ी पत्थर आ गए यहाँ तो। तो यहाँ पे कोई वाटर क्रॉसिंग आई हुई है बहुत तगड़ी, उसको ठीक कर रहे हैं आई थिंक। फे विलेज, और यहाँ जितने भी विलेज मैंने देखे हैं उनमें सब में मोस्टली काम चल रहा है। शुरू के जो तीन चार विलेज वो तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद के सारे विलेज में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड का। फे विलेज बहुत हार्ड वर्क है यहाँ के लोगों का, सारा काम खुद ही मेहनत करते हैं। ये मकान सारे तोड़े गए हैं आगे के ड्यू टू ये चौड़ा किया जा रहा है। और हम आ गए हैं सनी विलेज, ये बुद्धा स्टैचू ये सामने, ये लेक सनी लेक। तो चलते हैं अंदर को विलेज सनी। तो आगे से पार्किंग का रास्ता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटी। यहाँ जाना है इधर। हाँ हम लगभग पदुम पहुंच गए हैं, 10 किलोमीटर रह गया है यहाँ से पदुम। और पदुम में जो एक्सप्लोर करने के प्लेसेस हैं या टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उनमें से सबसे पहले हम आए हैं सनी विलेज को। आपको देखा होगा अभी आए हैं उसके अंदर से। और ये है सनी लेक, ब्यूटीफुल सनी लेक, ये देखिए सामने बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। कैमरा हटा दिया क्या? मैंने कहा कि गियर तो नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंच गए एक बार फिर सनी लेक, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कितनी ग्रीन मखमली के घास हैं, वो लेक है, वो स्टैचू है। और यहाँ की एक अमेजिंग बात और बताता हूँ, ये देखिए ये पानी आ रहा है कहाँ से, ये ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है। तो ये जो ग्लेशियर का पानी है वो ज़मीन के अंदर से पानी यहाँ से निकल रहा है, और इसका सोर्स सिर्फ यही है। ये देखिए पानी निकल रहा है यहाँ से, तो ये ग्लेशियर का जितना पानी है वो यहाँ पे आता है और ये लेक में जमा हो जाता है। सनी लेक के बिल्कुल ऊपर है ये देखिए ब्रिज जो सनी लेक के ऊपर बनाया गया है छोटा सा, और ये ब्यूटीफुल सनी लेक देखिए। वाओ ये प्रेइंग फ्लैग देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये स्टैचू। ये मेरा सेकंड टाइम है सनी लेक,
तो ये दिस इज़ द टूरिस्ट प्लेस। अगर आप पदुम आएँ तो अपने बकेट लिस्ट में इसको भी ऐड कर लीजिए, सनी लेक को। सनी मोनेस्ट्री परली तरफ है, तो सनी लेक सनी मोनेस्ट्री दोनों आप घूम सकते हैं और यहाँ पे पिकनिक भी मना सकते हैं। बहुत ही शांति है। अगर आपने कैंपिंग करनी हो उसके लिए तो परफेक्ट जगह है। ग्रेट, ये देखिए स्टैचू, बहुत ही शानदार। ओफ 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 ओ 360 एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। ब्यूटीफुल, वाह। तो बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं, ड्रोन भी उड़ाते हैं, फिर चलेंगे आगे। बहुत ही सुकून है यार इस जगह पे, और इसमें फिश हैं बहुत सारी। यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि क्रिस्टल क्लियर पानी है और बहुत सारी फिश तैर रही है। तो हमने ड्रोन शॉट ले लिया, आपने देखे होंगे बहुत ही शानदार ड्रोन शॉट आए हैं। और अब वापसी इसी ब्रिज के ऊपर से जाएंगे, और वो बाइक खड़ी है हमारी। आप यहीं रहता है? शनि शनि तो ये स्टैचू किसका है? ये पद्मा संभावा। पद्मा संभा, गुरु पद्मा संभावा। हम गौतम बुद्धा सोच रहे थे। नहीं नहीं, गौतम बुद्धा कैसा नहीं होता, गौतम बुद्धा का प्लेन होता है ज्यादा। अच्छा, गुरु पद्मा संभावा कौन थे ये? हाँ। ये कौन थे? पद्मा संभावा, गुरु पद्मा संभावा। गुरु थे ये? हाँ। क्या राजा थे? गुरु थे ये, राजा नहीं थे। अच्छा, गुरु थे। इन्होंने ऊपर अभी इधर से देख रहा है, छोटा सा उधर घर है पहाड़ के बीच में ऊपर। हाँ, उधर देखो, उधर बीच में। हाँ हाँ, उधर पर 6 साल के तपस्या किया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, मेडिटेशन करते हैं ना। हाँ हाँ, कब किया था ये? तो कुछ 16th century 17th century। हाँ, बहुत पहले। वो जो घर अभी कोई रहता है उधर? उधर कोई रहता तो कोई नहीं है, जैसे कि मंदिर की जैसा है ना। उन्हीं के हाथ का बना हुआ है? नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले जैसे केव्स में वो करता था, फिर बाद में जैसे कि फिर उधर मोनेस्ट्री में करने लगे। चलो थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंचन। वेरी गुड। गाइस वी आर रेडी टू राइड सनी। यहाँ पे लेक आके बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही सुकून है इस जगह में। अगर समय है तो यहाँ पे आके बैठो, एक घंटा आधा घंटा मज़ा आ जाएगा। तो चलते हैं पदुम, जो यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और पदुम मैं घुमा हुआ हूँ, तो पदुम मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है 2021 में। मेन हाईवे पे आ गए हम फिर। तो गाइस ये सामने आप देख रहे हैं, ये है अपना पदुम विलेज, और लगभग यहाँ से शुरू हो जाता है अपना पदुम। ये पूरा फैला हुआ है, आगे बहुत बड़ी मार्केट है पदुम की। पदुम मेन जंस्कार की मेन सिटी है, और वो सामने ऊंचाई पे आप देख पा रहे होंगे वो है करसा मोनेस्ट्री, करसा गोम्पा, जो यहाँ से 10 किलोमीटर है। और वो उधर भी एक गोम्पा है सामने, ऊंचाई पे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से सनसेट व्यू बहुत ही शानदार है। लास्ट टाइम मैंने सनसेट व्यू लिया था उधर से। और अब पेट्रोल पंप आएगा, शुरू में ही पेट्रोल पंप आ जाएगा, तो वहाँ से अपना पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में। 3 पॉइंट रह गए, पहले एक दिखा रहा था, अब 2, अब 3 हो गए। वाह। तो ये पदुम का पेट्रोल पंप आ गया, यहाँ अपनी बाइक फुल करा लेते हैं। गाइस नया गेट बन रहा है पदुम की एंट्री का, तो वेलकम टू पदुम जंस्कार वैली। तो हम पहुँच गए हैं पदुम में,
पेट्रोल फुल करवा लिया है, बस अब कमरा ढूंढना है और आज स्टे करेंगे। तो गाइस लास्ट टाइम मैं शायद यहाँ रुका था और ये सारा आगे से तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये जो हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है, ये दोनों तरफ से बाज़ार की दुकानें दोनों साइड की तोड़ी गई हैं। ये है गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस, टूरिस्ट गेस्ट हाउस। तो यहाँ पे रेफरेंस से हमें एक रूम मिल गया है, लेकिन अभी लाइट नहीं है, ये पता नहीं कब आएगी। तो रूम दिखाता हूँ आपको, बहुत ही इकोनॉमिकल है, जस्ट 500 में। तो गाइस आज का हमारा स्टे इस रूम में है, गवर्नमेंट टूरिस्ट गेस्ट हाउस। बना तो बहुत अच्छा है, फ्रेश होते हैं, खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।